नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। मद्रास हाई कोर्ट ने LGBTQIA+ समुदायों की हिफाजत के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन, राज्यों पर दोष मढ़ना कितना उचित। COVID-19, भारत में सेकेंडरी इन्फेक्शन अभी भी एक बड़ी चुनौती। कोरोना अपडेट, देश में 2 महीने बाद 1 लाख से कम नए मामले दर्ज हुए। और आखिर में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2022, सुनील छेत्री के 2 गोल की मदद से भारत ने बांग्लादेश को हराया, टूर्नामेंट की पहली जीत। LGBTQIA समुदाय के हकों की हिफाजत के संदर्भ में मद्रास हाईकोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे डॉक्टर्स जो इस बात का दावा करते हों कि वे समलैंगिकता का इलाज करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए। अदालत ने सोमवार को दिए आदेश में तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के अफसरों से कहा कि वे ऐसी योजना तैयार करें जिससे LGBTQIA समुदाय के हकूक का सम्मान किया जा सके। अदालत ने एक समलैंगिक जोड़े की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही। इस जोड़े ने याचिका में पुलिस पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने मामले की सुनवाई के बाद जोड़े के हक में फैसला दिया। जोड़े के परिजनों की ओर से पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इसके बाद से ही पुलिस लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही थी। अदालत ने यह भी कहा कि अगर पुलिस किसी गुमशुदा व्यक्ति की तलाश करती है और वह वयस्क है और LGBTQIA समुदाय से है तो उसे तुरंत उसके गुमशुदा होने की शिकायत को बंद कर देना चाहिए जिससे उसका उत्पीड़न न हो। 7 जून शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। टीकाकरण की नीति को बदलते हुए देश भर के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की। केंद्र की टीका नीति का देश भर में विरोध हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी आलोचना की थी। आइए सुनते हैं कि पीएम के संबोधन पर वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह जी का क्या है कहना। प्रधानमंत्री ने 2-3 चीजों पर बहुत जोर दिया और जिस पर मीडिया बहुत वाहवाही करेगा, तमाम लोग तालियां बजा रहे होंगे, लेकिन उनका ध्यान से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। पहली बात जो सबसे खतरनाक उन्होंने कही, उन्हें पता है कि पूरी की पूरी कोरोना की दूसरी लहर आई, इसमें जिस तरह से लाखों लोग मारे गए, तड़प तड़प के ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाते रहे, इससे आपके दिलों में और हमारे दिलों में बहुत गुस्सा है। इस गुस्से को डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने बहुत ही तगड़ा अस्त्र चला। उन्होंने कहा राज्य सरकारें खेल रही थी, राज्य सरकारें चाहती थी अपने पास ताकत, राज्य सरकारों ने सारी ताकत अपने पास ले ली थी और इस तरह से सारी बर्बादी, सारी तबाही का ठीकरा फोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री ने पूरी चालाकी के साथ राज्य सरकारों पर फोड़ने की कोशिश की और यह हमने सबने देखा। क्योंकि हम सबको याद रखना चाहिए कि इससे पहले मुख्यमंत्रियों से गिनी चुनी वार्ताएं जो उनकी हुई, उसमें मुख्यमंत्रियों ने साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से सारी ताकत उसने अपने पास रखी है, जिस तरह से ऑक्सीजन नहीं दे रही, दवाई नहीं दे रही, उससे लोगों की जिंदगी बचाना उनके लिए मुश्किल है। और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया। बहुत बड़ा समय उन्होंने अपने आधे घंटे से अधिक के संबोधन में लगाया कि किस तरह से राज्य सरकारें जो ताकत चाहती थीं, जब ताकत मिल गई तो काम नहीं कर पाई और दोबारा हाथ जोड़कर केंद्र सरकार के पास विनती करने आई कि माई बाप तुम हमें संभाल लो। इस तरह से प्रधानमंत्री ने आज बहुत जम के जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो राज्य सरकारें हैं, उनके खिलाफ हमला बोला है। इसे ध्यान रखना जरूरी है। वहीं देखिए इसके साथ साथ उन्होंने वैक्सीन को लेकर बहुत दरियादली दिखाई। उन्होंने कहा कि 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तब से 18 साल से ऊपर के तमाम भारतीय नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त में सरकार लगाएगी। क्यों साहेब, आपने बहुत देर कर दी। सुप्रीम कोर्ट की इतनी फटकार आपको पड़ी, केंद्र सरकार को कटघड़े में देश की सर्वोच्च अदालत ने किया। उसने कहा सीधे सीधे कि केंद्र सरकार पूरी तरह से उदासीन है, उसकी जो वैक्सीन की पॉलिसी है, वैक्सीन की जो नीति है, वह पूरी तरह से मनमानी भरी हुई है, वैज्ञानिक नहीं है। यह सब करने के बाद आज प्रधानमंत्री यू टर्न लेते हैं।
और कहते हैं कि हम सबसे बड़े देश हैं दुनिया के वैक्सीन लगाने वाले। आप भूल गए प्रधानमंत्री मिस्टर पीएम कि इस वेव में जितने लोग कोरोना से मरे हैं उनमें से अधिकांश की जिंदगी बचाई जा सकती थी अगर आप चुनावी यात्राएं ना कर रहे होते, अगर आपको लोगों की चिंता होती, अगर आपको 5 विधानसभाओं को जीतने की चिंता ना होती, आपकी सरकार काम कर रही होती। आपने बहुत आसानी से कह दिया कि मेडिकल ऑक्सीजन की इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी जरूरत देश ने कभी महसूस नहीं की। सरकारें हम इसीलिए चुनते हैं ताकि सरकारें आपदा में काम करें। जब आपदा आई तब से लेकर आज तक केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप रहा वह बहुत ही शर्मनाक रहा, आपराधिक रहा। यह हमने सबने देखा, राज्य सरकारों ने देखा। राज्य सरकारें गुहार लगाती रहीं कि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए और देश के इतिहास में मिस्टर पीएम यह पहली बार हुआ कि 5 सितारा अस्पतालों तक में नागरिक मारे गए क्योंकि आपकी सरकार उन्हें ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पाई। आप हमें बताते रहे कि उद्यम करना चाहिए, लेकिन उद्यम तो इस देश की जनता कर रही थी लोगों को बचाने के लिए। और एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चूक जो आज आपने की, आप कहीं से भी शर्मिंदा नहीं हुए, आपने देश के लोगों से माफी नहीं मांगी। इतने लाखों लोगों ने जान गंवाई, उन्हें यहां तक कि अंतिम संस्कार भी कायदे से नसीब नहीं हुआ। जिस संसदीय क्षेत्र से आप चुनकर आते हैं बनारस, वहां से लेकर गंगा जो पूरी की पूरी लाशों से अटी और पटी पाई गई, उस पर आपने एक लफ्ज, एक शब्द नहीं कहा। आपने एक शब्द यह नहीं कहा कि जो लोग लाशों को नदी किनारे दफना के गए, राम नामी चुनरिया लगा के गए, उन चुनरिया को जिस तरह से उखाड़ा जा रहा था, आपको कहीं से भी उन भारतीय नागरिकों के प्रति कोई दर्द, कोई हमदर्दी महसूस नहीं हुई। किसी भी बीमारी के इलाज के दौरान होने वाले सेकेंडरी इन्फेक्शन इलाज में एक बड़ी बाधा बनते हैं। कोविड-19 के सेकेंडरी इन्फेक्शन भी देश में परेशानी का सबब बने हुए हैं। ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे फैलते हैं और इनका क्या इलाज है, बता रहे हैं न्यूज क्लिक के संवाददाता संदीपन। कोविड में सेकेंडरी इन्फेक्शन अभी भी एक बड़ा चुनौती है। पिछले दौरान हम लोगों ने देखा कि कैसे म्यूकोरमाइकोसिस का केसेस देश में फैला था और काफ़ी राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस को एपिडेमिक भी घोषणा करना पड़ गया था। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल डिजीज़ है जो म्यूकोर ग्रुप में रहने वाले कोई कुछ फंगस से ये डिजीज़ होता है। हालांकि इसको ब्लैक फंगस के रूप में लिखा गया था, बोला गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलना ज़्यादा सही है। म्यूकोरमाइकोसिस में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर के आया था वो है स्टेरॉइड्स का यूज़। स्टेरॉइड्स ऐसा एक दवाई है जो सीवियर कोविड पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यही स्टेरॉइड्स अगर अर्ली स्टेजेस मतलब कोविड पेशेंट्स में जल्दी में उसको इस्तेमाल किया जाए या काफ़ी देर तक उसको इस्तेमाल किया जाए या अधिक मात्रा में ओवरडोज में उसको यूज़ किया जाए तो ये फंगस के लिए बॉडी में इन्फेक्शन करना आसान बना दे सकता है। तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल के लिए देश के बहुत सारे डॉक्टर्स इसके ऊपर कंसर्न आपने जाहिर किए थे कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल सही मात्रा में हो, सही समय पे हो, उसका ओवरडोज ना हो। और म्यूकोरमाइकोसिस के साथ और एक दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया भी सामने आया है। हालांकि हाल ही में एक स्टडी आया ICMR की तरफ से, उसमें बोला कि बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन भी पॉसिबल है कोविड केसेस में, स्पेशली जो हॉस्पिटलाइज्ड कोविड पेशेंट्स है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये पाया गया था कि क्लेप्साइला न्यूमोनिया बोल के जो बैक्टीरिया है जो बॉडी में न्यूमोनिया क्रिएट कर सकता है, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हॉस्पिटलाइज्ड कोविड पेशेंट्स में पाया गया है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन कर सकता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस मैनेज करने के लिए दो चीज़ है। एक तो सही समय पे उसको डायग्नोसिस हो और सही से उसको इलाज किया जाए, और कोविड के इलाज करने के नाम पे कोई भी दवाई का अधिक मात्रा में उसको इस्तेमाल ना किया जाए, सही मात्रा में इस्तेमाल हो। और
इस दिशा में एक बहुत सही गाइडलाइन सरकार की तरफ से आए और उस गाइडलाइन को देश भर के हॉस्पिटल्स में उसको फॉलो किया जाए, ये एक सबसे बड़ा चुनौती है सेकेंडरी इन्फेक्शन के एस्पेक्ट में। दूसरा चीज़ है कि म्यूकोरमाइकोसिस में बहुत जल्दी मेडिकल इंटरवेंशन की बहुत जल्दी ज़रूरत होती है और एक दिन या दो दिन भी अगर उसको डिले हो जाता है ट्रीटमेंट में तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो ये भी एक सवाल है कि कैसे पेशेंट्स जो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से चला गया लेकिन घर जाके फिर फंगल इन्फेक्शन उनको हो गया, जो पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया था या कुछ अन्य दवाइयों का इस्तेमाल किया गया था और बाद में उसको फंगल इन्फेक्शन हो, उनको कैसे सही समय पे हॉस्पिटल लाया जाए या उसको मेडिकल इंटरवेंशन हो। तो ये सारे सवाल है, ये सारे चुनौती अभी भी हमारे सामने है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी 8 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में आज 2 महीने बाद कोरोना के 1 लाख से कम यानी 86,498 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में 2,123 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 182,282 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 97,907 मामले कम हुए। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 2,89,96,473 हो गई है, जिनमें से अब तक 3,51,309 लोगों की मौत हो चुकी है। दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री के शानदार खेल के दम पर भारत ने फीफा विश्व कप 2022 एवं एशियाई कप 2023 के संयुक्त क्वालिफायर मुकाबले में सोमवार को यहां बांग्लादेश को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की। इस जीत से भारतीय टीम के एशियाई क्वालिफायर के तीसरे दौर में सीधे क्वालिफाई करने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लंबे समय से जीत का स्वाद चखने का इंतजार कर रही भारतीय टीम का इस मैच में शुरू से दबदबा दिखा। आइए सुनते हैं न्यूज क्लिक के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सिद्धांत ऐने का क्या कहना है। अगर आप भारतीय फुटबॉल फॉलो करते हैं और भारतीय फुटबॉल टीम को फॉलो करते हैं तो कल शाम नो डाउट आप काफी खुश होंगे, क्योंकि 11 मैचेस लगातार असफल रहने के बाद भारतीय सीनियर मेंस नेशनल टीम ने कल रात बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल की। ये गेम जो खेले जा रहे हैं ये 2022 कतर वर्ल्ड कप और 2023 AFC एशियन कप जो चाइना में खेला जाएगा उसके लिए क्वालिफाइंग गेम्स हैं और COVID-19 महामारी के कारण ये मैचेस सेंट्रलाइज लोकेशन यानी एक केंद्रीय वेन्यू में खेले जा रहे हैं जो कि है दोहा। नाउ हालांकि भारत कतर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के फॉर्मूला से निकल चुकी है, 2023 के एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना हमारी टीम के लिए और हमारे जो फॉलोअर्स हैं जो फैंस हैं उसके लिए काफ़ी मायने रखता है। तो ये रिजल्ट उस कॉन्टेक्स्ट में उस संदर्भ में काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जैसे हम कह रहे थे वो कप्तान सुनील छेत्री का था जो मेन स्ट्राइकर हैं इस टीम के और जिन्होंने 2 गोल स्कोर किए और इन 2 गोल्स की बदौलत ये इंटरनेशनल फुटबॉल में एक्टिव गोल स्कोरर्स की लिस्ट में दूसरे स्थान में पहुँच चुके हैं। उनके आगे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगाल के और उनके पीछे हैं लायनल मेसी जो अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। तो ये काफ़ी इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए आई थिंक काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे इस बारे में। दूसरा जो विषय था टॉपिक था या टॉकिंग पॉइंट था इस गेम से पहले और इस गेम के बाद वो था कि इगोर स्टीमैच जो क्रोएशिया के काफ़ी प्रसिद्ध और यूगोस्लाविया के काफ़ी प्रसिद्ध फुटबॉलर रह चुके हैं, इस वक्त वो भारत के हेड कोच हैं, भारतीय मेंस टीम के हेड कोच हैं और आई थिंक भारत के फुटबॉल इतिहास में ये मोस्ट हाई प्रोफाइल कोचेज में से एक हैं। तो हाल ही में चर्चा AIFF की टेक्निकल जो फुटबॉल फेडरेशन है भारत की उनकी टेक्निकल कमेटी में चर्चा चल रही है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इनकी नौकरी है क्या उसका दौर एक्सटेंड किया जाए या नहीं। फिलहाल के लिए उनका टेन्योर सितंबर तक के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया गया है जब ये क्वालिफाइंग प्रोसेस ख़त्म होगी। सो देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हैं उन मिस्टर स्टीमैच के लिए और नेशनल टीम के लिए और ये थोड़ा जो तनाव है जो इस विषय पे जितनी बातचीत हो रही है कि इगोर स्टीमैच रहें या ना रहें और ये हैशटैग्स वगैरह ट्रेंड कर रहे हैं स्टीमैच इन स्टीमैच आउट बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जो माहौल है आजकल कोचेज पे काफ़ी स्क्रूटनी रहती है काफ़ी ध्यान रहता है
और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी रहता है जब टीमें अच्छी अच्छी नहीं करती हैं परफॉर्म, तो कोचेज की नौकरी ज़्यादातर जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में केवल दो जर्नलिस्ट थे, दो पत्रकार थे जो प्रेजेंट थे उस वेन्यू पे जहाँ गेम हो रहा था कल शाम। उनमें से एक हमारे साथी अहमद हाशिम जो हमारे शो पे भी आए थे, उन्होंने कहा कि श्रीमाश काफ़ी अग्रेसिव मूड में थे, खुश थे नो डाउट, बट ऑल्सो अग्रेसिव मूड में थे, और कह रहे थे कि जो लोग हमारे खेल को या हमारी टीम को क्रिटिसाइज करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, वो फुटबॉल नहीं समझते हैं। तो अब ये किसके लिए मैसेज था, मीडिया के लिए कि फेडरेशन के लिए या टेक्निकल कमिटी के लिए, ये आप खुद ही जान सकते हैं। हम इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं दे सकते क्योंकि हम वहाँ थे नहीं, लेकिन अहमद की रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए, अहमद की बातें सुनने के लिए आप हमारा डेडिकेटेड फुटबॉल चैनल यूट्यूब पे 420 ग्राम्स, वहाँ उसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, और काफ़ी विस्तार में हम इंडियन फुटबॉल और स्पोर्ट्स भी कवर करते हैं newsclick.in हमारी वेबसाइट पे, तो वहाँ भी जाएं और पढ़ें। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी ज़रूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।